आज हम वाटर क्वालिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर को स्टडी करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या शॉर्ट फॉर्म में और कॉमनली इसको बीओडी भी कहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिजॉल्व ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था बीओडी के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी तो स्टार्ट करते हैं बी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है और बायोलॉजिकल डिमांड की बात हो रही है ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जो कि हम यूज़ करते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर को सॉरी वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए यह एक पैरामीटर होता है ठीक है जिससे हम वाटर की क्वालिटी कैसी है इसको मेजर करते हैं और कॉमनली इसको वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उसमें इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज़ होता है अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन ये कहता है कि इट इज़ द मेजर ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ऑक्सीडाइज़ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दी वाटर सैंपल ओवर अ पीरियड ठीक है तो ये मेजर होता है उस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के अमाउंट का जितना ऑक्सीजन ये माइक्रोब्स जो होते हैं पानी में गंदे पानी में वेस्ट वाटर में वो यूज़ करते हैं जितना भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ऑक्सीडाइज़ करने में ठीक है सिंपली पहले हम ऐसे समझते हैं मान लिया ये कोई सैम्पल है वेस्ट वाटर का इसमें क्या होगा वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इन ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और साथ ही साथ अगर ये वेस्ट वाटर है तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह भी होंगे माइक्रोब्स होंगे डिफरेंट तरीके के अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं इन ऑर्गेनिक मैटर को एज अ फूड यूटिलाइज़ करते हैं ये इनके लिए फूड का, का काम करता है ठीक है और इसको फूड की तरह खाने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन जब तक होगी तब तक ये डिकम्पोज करेंगे आराम से जैसे ऑक्सीजन ख़त्म होगी फूड चाहे जितना भी हो ये डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे इसीलिए ऑक्सीजन एक नेसेसरी प्री कंडीशन है हमारा ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का इसके लिए तो अगर अदर वर्ड्स में कहें तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन तो यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ठीक है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपलर फॉर्म्स में और एरोबिक कंडीशन है यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ये चीजें हमें याद रखनी है और इस प्रोसेस को करने के लिए वो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं इसीलिए इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा गया है बायोलॉजिकल क्यों क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है और माइक्रोब्स ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं इसीलिए इसको हम कहते हैं बी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अब यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्टार्च एंड शुगर्स एज फूड तो वेस्ट में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है स्टार्च और शुगर के फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये खाने की तरह होता है जिसको ये कंज्यूम करते हैं अब पानी है इसमें ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट भी होते हैं इनका क्या होता है ये ये भी थोड़े बहुत मात्रा में माइक्रोब्स द्वारा डिग्रेड होते हैं कैसे इनडायरेक्टली जैसे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में सल्फाइड सल्फाइड्स फेरेसाइंस हो सकते हैं जो कि जिनको जिनके ऊपर ऑक्सीजन एक्ट करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एनजाइम्स रिलीज बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ एनजाइम्स रिलीज करते हैं उनकी ही प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वाटर में वो इनके ऊपर एक्ट करता है अब इवेंचुअली जब ये प्रोसेस हो रही होगी तो पोल्यूशन लोड है जो जितना भी पल्यूशन है वाटर में वो सिंपल और नॉन अडस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस के दौरान जितनी भी डिसॉल्व ऑक्सीजन है वाटर के अंदर उस वेस्ट वाटर सैंपल के अंदर वो सारी यूटिलाइज हो जाएगी सारी नहीं कहेंगे मतलब कुछ अमाउंट उसका यूटिलाइज होगा ये डिपेंड करता है कि पोल्यूशन लोड कितना है और द बी वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द दा ऑर्गेनिक्स ठीक है जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की यूज़ होती है ये किसके प्रोपोर्शनल होती है बी की यानी जितना ज़्यादा अमाउंट ऑक्सीजन का यूज़ होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी बी की वैल्यू भी आएगी और जितनी ज़्यादा बी की वैल्यू हाई रहेगी डिजोल्व ऑक्सीजन उतना कम होता जाएगा क्यों क्योंकि यूज़ हो जाएगा सारा डिजोल्व ऑक्सीजन उसके बाद जितना ज़्यादा पी होगा उतना ही ज़्यादा हमें पता चलेगा कि पोल्यूशन है ठीक है अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है ऑक्सीजन तेज़ी से ख़त्म हो रहा है पानी में तो हम क्या समझेंगे कि पोल्यूशन पल्यूशन इस वाटर में काफ़ी हाई है इसीलिए लिए पी का जो यूज़ होता है वो कि, कि, किस लिए होता है इंडिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन इन एनी वाटर सैम्पल और इन एनी वाटर सोर्स ठीक है तो इस चीज़ में पी का यूज़ होता है ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा पी का इसी से रिलेटेड हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी होता है जो कि हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि वो क्या होता है उसकी कैसे एनालिसिस करते हैं फिलहाल अब ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया अब हम देखेंगे कि इसको मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है तो जो मोस्ट कॉमन और एक्यूरेट मेथड है उसको हम कहते हैं फाइव डे बी टेस्ट या बी ओ ये टेस्ट करने से पहले कुछ प्री कंडीशन हैं जिसको ध्यान में रखना है तो मेजोरिटी ऑफ वेस्ट वाटर ठीक है कोई भी हम वेस्ट वाटर का सैंपल लेते हैं ना तो उसमें जितना एयर सैचुरेटेड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है मतलब कोई भी पानी है जो कि जैसे नाली का पानी हो गया या रिवर वाटर हो गया उसमें जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी वो कैसे प्रेजेंट है जितनी एयर में जो सेचुरेटेड ऑक्सीजन है जितनी वाटर ने डिजॉल्व कर ली उतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है लेकिन माइक्रोब्स को जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है ना उस वेस्ट वाटर में उसको डिग्रेड करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए ये ऑक्सीजन कम पड़ती है जितनी पानी में नेचुरली होती है इसीलिए और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है माइक्रोब्स को तो उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सैंपल का डाइल्यूशन करना पड़ता है अगर आपने टेन एम सैंपल लिया है तो उसमें कुछ अमाउंट आपको वाटर एक्स्ट्रा uh, मिलाना पड़ेगा डाइल्यूट करने के लिए ताकि ऑक्सीजन जो है हम रिक्वायर्ड जितनी अमाउंट है उतनी प्रोवाइड कर पाए माइक्रोब्स को क्योंकि बहुत कम ऑक्सीजन रहेगी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा बी टेस्ट इसीलिए डाइल्यूशन ऑफ सैम्पल भी हम देखते हैं इनक्यूबेशन से पहले दूसरा क्या है एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फास्फोरस नाइट्रोजन कुछ ट्रेस मेटल्स और भी हो सकते हैं न्यूट्रिएंट जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो इनको भी हम ऐड करते हैं तीसरा क्या है बफरिंग डाइल्यूट वाटर जो हम ऐड कर रहे हैं उसकी बफरिंग करनी पड़ेगी ताकि पी वैल्यू को मेनटेन कर सकें ऐसी पी वैल्यू जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सके तो ये तीन कंडीशन हैं जो कि हमें फुलफ़िल करनी होती हैं उसके बाद डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले फ़ाइव डे पीरियड को हमें ध्यान में रखना है ये जो टेस्ट होता है इसके लिए फ़ाइव डेज़ का पीरियड लगता है सैंपल को हम क्या करते हैं जो वाटर सैंपल हमने लिया है वेस्ट वाटर का उसको बॉटल सॉरी ये वाटर बॉटल्ड वाटर नहीं होगा यहाँ पे एक बॉटल में हम पुट करते हैं ठीक है और उसका इनिशियल जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको मेजर कर लेते हैं इनिशियली जितना भी और कैसे मेजर करेंगे जो हमने डिजोल्व ऑक्सीजन वाले कॉन्सेप्ट में देखा था जिस तरीके से मेजर करते हैं उस प्रोसेस को या तो फॉलो करेंगे या फिर डिजोल्व ऑक्सीजन मीटर भी आता है उससे ही इलेक्ट्रॉनिकली हम मेजर कर लेंगे और उस डी वैल्यू को नोट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं उस बॉटल को सील कर देते हैं और एक इनक्यूबेटर में इनक्यूबेटर मशीन होती है उसमें फाइव डेज के लिए ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके हम उसमें डाल देते हैं पाँच दिनों के लिए उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो वर्क करते हैं जितना भी ऑर्गेनिक पोल्यूशन होता है उसमें उसके ऊपर वर्क करते हैं और उस दौरान ऑक्सीजन यूज़ होती है उसके बाद पाँच दिन के बाद हम उस बॉटल को निकालते हैं और उसका डिज़ोल्व ऑक्सीजन हम फिर से चेक करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कितनी ऑक्सी डिज़ोल्व ऑक्सीजन में कमी आई है इतने दिनों में और वो कमी किसके इक्वल होगी जितना माइक्रोब्स ने ऑर्गेनिक पल्यूटेंट को डिग्रेड करने के लिए जितनी ऑक्सीजन यूज़ की ठीक है उतनी ऑक्सीजन कम हो जाएगी उस सैम्पल में से अब कुछ नोट हमें ध्यान में रखना है कि सैंपल को हमें डाइल्यूट करना इम्पॉर्टेंट है कब जबकि डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम बाय माइक्रोब्स इज ग्रेटर देन द अवेलेबल डिजोल्व ऑक्सीजन इन द एयर सैचुरेटेड सैंपल अगर पॉल्यूशन लोड बहुत ही हाई है जितना कि एयर सैचुरेटेड जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में नेचुरली उतना कम पड़ रहा है अगर ये प्रोसेस करने के लिए तो हमें डाइल्यूशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है और बी टेस्ट इनवैलिड हो जाता है अगर पाँच दिनों के दौरान जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल है वो जीरो पे अगर ड्रॉप कर जाए ठीक है अगर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि पाँच दिन ख़त्म होने के पहले ज़ीरो हो जाता है किसी भी स्टेज में ज़ीरो नहीं होना चाहिए वरना ये टेस्ट इनवैलिड होना चाहिए इसीलिए हमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल ज़ीरो से ऊपर रखने के लिए डायल्यूट करते रहना है सैम्पल को कैलकुलेशन कैसे करेंगे बहुत सिंपल है क्या होगा डिजोल्व ऑक्सीजन जो इनिशियल थी माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल फाइनली जो डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो कम ही होगी तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें बी मिल जाएगा वही मेजर होता है बी का और डिवाइड कर देंगे इसको पी से अब ये पी क्या है पी है डायल्यूशन फैक्टर अगर आपने इसमें वाटर ऐड किया है और डायल्यूट करने के लिए तो डाइल्यूशन फैक्टर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर जितना आपने वेस्ट वाटर सैंपल लिया है उसका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर प्लस डाइल्यूशन वाटर जितना वेस्ट वाटर का सैंपल लिया प्लस जितना डाइल्यूशन के लिए आपने वाटर लिया है उन दोनों को ऐड करके और इस इस फॉर्मूले से हम पी निकाल लेंगे डाइल्यूशन फैक्टर और इससे हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी अब ये अगर डिजोल्व ऑक्सीजन हमने मिलीग्राम पर लीटर में निकाला है आ, या ग्राम्स में निकाला है ठीक है तो पी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे वेट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स यूज बाय माइक्रोब्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैम्पल इंटू टेन टू दी पावर सिक्स ये अगर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम वैल्यू मिल जाएगी पार्ट्स पर मीटर में अब देख लेते हैं कि जो पोल्यूटेड वाटर और सेफ वाटर होता है उसके बी के रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है तो बी लेवल अगर पार्ट्स पर मीटर में हम देख रहे हैं अगर वन से टू होती है तो वाटर क्वालिटी वेरी गुड मानी जाती है और ये हम समझ सकते हैं इससे कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो वाटर सप्लाई में प्रेजेंट नहीं है नेगलिजिबल है थ्री से फाइव होती है तो हम फेयर मानते हैं यानी मॉडरेटली क्लीन वाटर है तब भी ठीक है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सिक्स टू नाइन है तो हम पुअर मान मानते हैं और सम वॉट ये पोल्यूटेड वाटर है इट यूजुअली इंडिकेट्स ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रेजेंट एंड बैक्टीरिया आर डी दिस वेस्ट ये इंडिकेट करता है और अगर सौ से भी ऊपर जाता है तब वेरी पोल्यूटेड आता है और कंफर्म है कि इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है तो ज़्यादातर जो हमारा सीवेज वगैरह होता है उसका सौ से ऊपर ही रहता है हमेशा बी ओ डेवल तो आज का ये टॉपिक था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको हमने सक्सेसफुली कम्प्लीट कर लिया नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी देख लेंगे थैंक यू